हेलो गाइस, वेलकम टू एलसीआर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशियल अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल बना हुआ है लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करना चाहोगे तो बिना डिफरेंशिएट किए इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऐसे क्वेश्चन अगर दिए होते इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें केस वन जो है वो क्या कहती है, पहले पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करना है इनमें अगर देखते हैं तो एच के अलावा हमारे पास ए और एम ये हैं, तो ये हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। जब पैरामीटर्स क्लियर हो जाता है तो केस सेकंड हमारा क्या कहता है कि अब हमें इनमें या इससे किसी एक के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए आर एम। क्या मतलब हुआ इसका, डी आई बाय डी ए कर लो आर डी आई बाय डी एम कर लो, किसको करो उसके बाद सॉल्व करो। चलो अगर इसको हम वन मान लेते हैं और इसको एम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, इंप्लाइज दैट डी आई बाय डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। इसमें m नहीं है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको भी निकाल देते हैं तो e पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय x और d dm ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स। और साइन का अगर m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होना चाहिए, पहले वो जैसे हैं वैसे लिख लो दिस और आपका e पावर माइनस ए एक्स बाय एक्स और साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कॉस एम एक्स इंटू टी डी एम ऑफ एम एक्स और यहाँ पे आपका ये डी एक्स हो गया। ठीक है, आप जब इससे एम के रिस्पेक्ट करें तो एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स बाय एक्स इंटू कॉस एम एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो बन गया ये आपका ऐसा बना जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसका तरीका बताते हैं, यहाँ इसको ऊपर लिख लेते हैं हमें इंटीग्रल निकालना है, ये है हमारा डी आई बाय डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस एम एक्स डी एक्स। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि वैसे आप करोगे तो बहुत लंबी होगा, अगर कभी ऐसा दिया हो ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स तो ये बराबर हो जाता है ई टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये हो जाता है। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि ए तो ठीक है और बी की जगह पे क्या है एम है, और अब a cos b x a कितना है माइनस में है तो माइनस a cos एम एक्स और प्लस b, b क्या है m, m sin एम एक्स, ये हो जाएगा। फॉर्मूला हटा देते यहां से हटा देते हैं इसको, तो इसकी लिमिट क्या है, तो लिमिट जा रही है वो जीरो टू इनफाइनाइट जा रही है। अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रखते हैं तो जो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या बनेगा, जीरो बनेगा, तो ये सारा का सारा जीरो हो गया। अब जब हम यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि जब यहाँ से हमें जीरो मिल गया तो इसको करने कोई फायदा नहीं है, जब जीरो रखेंगे तो यहाँ से वन बन जाएगा तो विथ माइनस साइन के होगा, तो माइनस और e की पावर जीरो मीन्स वन डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर, अब ब्रैकेट में आते हैं, माइनस ए इंटू कॉस जीरो और प्लस साइन जीरो जीरो होता है तो हटा दिया, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से आ गया आपका ए बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बन गया। तो आपका जो बन के आता है डी आई बाय डी एम इज इक्वल टू आपका हो गया ए बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जब डी आई बाय डी एम इज इक्वल टू दिस थिंग निकल गया तो हम आई आराम से निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर तो आपका आई हो गया, आई इज इक्वल टू अब कोई इंटीग्रल जो होता है जिसका फॉर्म होता है डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाता है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ऐसा बन जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ए और इंटू वन बाय ए टेन इनवर्स एम बाय ए और प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू आपका बन गया टेन इनवर्स एम बाय ए प्लस सी, इसको हम मान लेते हैं टू। अब यहाँ पर क्या करते हैं C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पुट M इज इक्वल टू जीरो और I इज इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या मिल गया हमें C इज इक्वल टू जीरो, ऐसा मिल जाएगा। जब ऐसा मिल जाएगा इसका मतलब I इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया tan इनवर्स M बाय A, ये बन गया ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं आगे, ये चीज हमारा है ए बराबर इसके है तो हम लिख सकते हैं ये टू है आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका बन गया टेन इनवर्स एम बाय ए, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब हम क्या करते हैं पुट ए इज इक्वल टू जीरो इन थर्ड, अगर ऐसा कर देते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर जीरो मीन्स वन, ये बन गया साइन साइन एम एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब अगर इसको ए को जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो इनफाइनाइट क्या होता है पाई बाई टू, इसका मतलब है हमें जो निकालना था आ गया इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट साइन एम एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये आपका प्रूव हो गया ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। थैंक यू गाइस।